साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई बहुत गंभीर विषय पे है। रात को लगभग 2 बजे मैं ऑनलाइन था तब ये वीडियो मेरे पास आया था। मैं बता दूं क्वारंटाइन से रिलेटेड सरकार की लापरवाही। जी हां साथियों, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा वीडियो अगर आप पहली बार देख सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिले। फेसबुक वाले भाई पेज भी फॉलो कर लें। तो साथियों आज मैं बता दूं आपको इस मैटर पे वीडियो है मेरे पास, आप सबूत दिखाऊंगा, लाइव सबूत। शायद ये पहला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अभी तक तो मुँह से बातें हो रही थी, मैंने भी एक दो वीडियो क्वारंटाइन से लेके पहले वीडियो बनाए हैं, लेकिन सिर्फ मुँह से थी। आज मैं एविडेंस दूंगा क्योंकि कल 29 तारीख का वीडियो ये फ्लाइट पहुंची थी लगभग दोपहर को, लगभग 4 बजे के करीब फ्लाइट पहुंची थी दुबई से। ये बंदा बता रहा है फर्स्ट फ्लाइट है, 150 के करीब यात्री जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और रात को मेरे पास 1 बजे के करीब इस बंदे ने वीडियो भेजा था, यानी 1 बज के 12 बजे के बाद। तो 30 तारीख हो गई, दिन में वीडियो में डाल नहीं सका, तो ये आ रहा है 31 तारीख को, ठीक है, एक दिन बाद में ये वीडियो आप देख रहे हो। तो इसमें पूरा एविडेंस देखिए, आप अपनी आंखों से लाइव देखिए कि हो क्या रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट से लेके होटल, यानी जोरमार से 5-7 किलोमीटर दूर होगा या एयरपोर्ट उसके पास ही होगा। मेन सिटी में तो रखेंगे नहीं इनको, तो बाहर रखेंगे, बाहर वाले होटल, बड़े बड़े जो होटल होते हैं। इनका सब लोगों से 500-500 रुपये किराया लिया गया। जी हाँ साथियों, 150 लोगों से 75,000 किराया 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर का। जी हाँ साथियों, बस का किराया 75,000 रुपये, 150 यात्री हम मान सकते हैं, 500 रुपये पर कैंडिडेट लिए। उसका एविडेंस है साथ में, मैं दूंगा आप देखिए। ये है ये एक तरह से ठगने का तरीका है, तो नहीं है तो क्या भाई, एक कैंडिडेट से 500 रुपये, 150 कैंडिडेट हो गए 75,000 रुपये, 75,000 यार किसको बोलते हैं। इसका मैं बता दूं भाई, किराया 1500 पर नाइट, 1500 रुपये खर्चा है। जी हाँ साथियों, टोटल 7 दिन का 11,760, यानी राउंड फिगर 12,000 रुपये 7 दिन का खर्चा आ रहा है। अब आप जोड़ लीजिए और सुविधाएं देखिए, वीडियो देखने के बाद आगे बात करते इधर। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, और ये हमको लेके आए हैं लेमन ट्री होटल है वहाँ पे, ठीक है। दुबई से जयपुर के लिए आया, आज उतरा हूँ 4:30 बजे, और 4 बजे से अभी तक आप देख लो क्वारंटाइन के लिए राजस्थान के अंदर हमको अभी तक रूम नहीं मिला है, और ये दुबई से फर्स्ट फ्लाइट है राजस्थान के लिए जयपुर। अभी तक कोई क्वारंटाइन के लिए रूम नहीं है, कोई इधर देख लो कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं है। पब्लिक को देख लो आप, अगर इसमें एक को भी कोरोना होएगा तो सबको हो जाएगा। और राजस्थान गवर्नमेंट बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वो रखो, ये देखो आप, पब्लिक चिल्ला रही है अभी, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है इधर। यानी सरकार बोलती है हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो भाई इतनी स्थिति है। यानी 150 यात्री विदेश से पहुंच रहे हैं, उनको सरकार क्वारंटाइन नहीं कर पा रही है सही तरीके से, और आप बोलते हो कि फ्लाइटें चालू कर दो, कहां से रख लेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्थिति है। अब आप मोदी को दोष नहीं दे सकते इसमें, ये वो केंद्र सरकार का मैटर नहीं है, ये राज्य सरकारों का मैटर है। क्वारंटाइन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आप जिस स्टेट पर हो आप अपने नेताओं से बात कर लीजिए भाई, उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, फ्लाइटों का उनका रोल है केंद्र सरकार का। और इसमें क्वारंटाइन का खर्चा कितना लगेगा कैसे होगा ये राज्य सरकारों पे है, ये हमारे राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ। गहलोत साहब है कुवैत से भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देख लिया, यानी 4-5 बजे के बंदे पहुंचे, रात को 1 बजे वीडियो डाला, यानी कितना लंबा टाइम चला गया। पैसे देने के बाद ये स्थिति है, कुछ भी सुविधाओं के नाम पे नहीं है, अभी तैयारी चल रही है, जबकि ये डेट 15 दिन पहले डिसाइड हो गई थी कि दुबई से इतने यात्री राजस्थान पहुंचेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं भाई,
सोचने की बात है। वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे, ताकि इसमें सुधार हो, आपके साथ अन्याय नहीं हो सके। साथियों ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतनी इसमें बात करेंगे। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। एक कैंडिडेट गरीब आदमी से 500 रुपये किराया लिया जा रहा है, 150 यात्री यानी कितना किराया हो गया, 75,000 रुपये। जयपुर का, जयपुर में 5-7 किलोमीटर की दूरी का है, 500 रुपये में वो घर नहीं छोड़ने जाएंगे। पूरे राजस्थान से घर की दूरी किलोमीटर देखें तो 500-500 किलोमीटर दूर के लोग बैठे हैं, तो क्या 500 रुपये वो घर के लिए किराया लिया है? नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट से होटल तक का किराया 500 रुपये कैंडिडेट से, और 150 लोगों को जोड़े तो 75,000 रुपये बनता है। ये है क्वारंटाइन की सच्चाई, खर्चा मैंने आपको बता दिया भाई। अब आप देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए ताकि और लोगों को पता लगे। साथियों नेक्स्ट वीडियो पे हम बात आगे करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।